अधिक मास में दीप दान से व्रत और तीर्थ यात्रा के सारे पुण्य मिल जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है। इस पवित्र माह में किसी भी मंदिर, गौशाला, नदी, तालाब और अपने घर के बाहर चौखट पर हमें शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, जिससे घर में समृद्धि आती है। संयोग से इस बार यह पुरुषोत्तम मास सावन मास में पड़ा है, जिससे भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दीप प्रज्वलित करके कार्य आरंभ करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर उनकी उपस्थिति में किया गया कोई भी शुभ कार्य अवश्य फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार अग्नि पृथ्वी पर सूर्य का बदला हुआ रूप है, इसलिए किसी भी देवी देवता के पूजन के समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अधिक मास में दीपक दान का अपना ही विशेष महत्व है। दीप दान करने का मतलब है घर और मंदिरों में दीपक अर्पित करना, दीपक प्रज्वलित करना। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास में दीप दान करने से जातक के जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और साथ ही जीवन का सारा अंधकार मिट जाता है। पूजा में घी या तेल के दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के सदस्यों को यश और प्रसिद्धि मिलती है। दीप ज्योति से समस्त पाप नष्ट होकर जीवन में सुख समृद्धि, आयु, आरोग्य और सुखमय जीवन में वृद्धि होती है। गाय के घी का दीपक जलाने से आसपास का वातावरण रोगाणु मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। पूजा अर्चना करते समय दीपक जलाने के पीछे यह भी उद्देश्य होता है कि प्रभु हमारे मन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रदान करे। जिन घरों में रोज सुबह शाम नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा निवास करती है। आइए अब जानते हैं कि हमें दीपक कैसे और कहां जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय उसे कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक रखने के लिए पहले किसी अन्न जैसे जौ, चावल या गेहूं की ढेरी बना लें, उसके ऊपर दीपक रखें। ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक देवी देवताओं की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना शुभ माना गया है। ध्यान रखें कि यदि मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो दीप साफ हो और कहीं से टूटा हुआ ना हो। किसी भी पूजा में टूटा हुआ दीपक अशुभ और वर्जित माना जाता है। दीपक जलाते समय हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धनम संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। हमें हमेशा देसी घी के दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। देसी घी के दिए वातावरण के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर सामर्थ्य ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अधिक मास में किया हुआ दीपदान किसी भी तीर्थ स्थान में किए गए दान से ज्यादा पुण्य प्रदान करता है। मल मास में दीपदान करने से धन धान्य, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र और समृद्धि प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से विवाह में हो रही देरी और पढ़ाई में आ रही परेशानियां दूर होकर सहायता मिलती है। अधिक मास में दीपदान करने से मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अधिक मास में महीने भर दीपदान करता है या अखंड दीप प्रज्वलित करता है, उसके पुण्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः इस मौके को आप अपने हाथ से ना जाने दें। मल मास समाप्त होने जा रहा है। मल मास की अमावस्या को किया गया दान इसका महत्व और अधिक बढ़ा देता है। तो मल मास की अमावस्या को दीपदान करें और अपने घर में समृद्धि, सुख, सौभाग्य को आमंत्रित करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।